दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल थंबनेल में सही देखा है कि इस बार यूपी पॉलिटेक्निक का कट ऑफ तो तबाही मचाने वाला है। जैसा कि आपने दोस्तों देखा था कि पिछले कई सालों से पॉलिटेक्निक का क्रेज डाउन हो चला था, लेकिन इस बार दोस्तों ऐसा देखने को मिला है कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का क्रेज फिर से दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स के सर चढ़ के बोल रहा है, जिसके कारण इस बार जो है आपके फॉर्म भरने की संख्याओं में भी वृद्धि हुई है और आपकी सब कुछ बहुत तगड़े तरीके से चल रही है, जिसके कारण इस बार लगता है दोस्तों आपका कि यूपी पॉलिटेक्निक का कट ऑफ आपका इस बार तो दोस्तों तबाही मचाने ही वाला है। तबाही मचाने का मतलब है कि आप सभी का कट ऑफ जो है यूपी पॉलिटेक्निक का वह निश्चित तौर पे हाई होने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी इंतजाम कर लिए हैं। पिछली बार से ही सरकार के तरफ से दोस्तों ऐसा कहा गया था कि जितने सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उनमें से 70% ऐसे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं जहां पे आपकी सीटों की संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, जहां 60 सीट हुआ करती थी वहां 75 सीट की गई, और जहां आपके प्रत्येक कॉलेज में 5 ही लेटरल एंट्री के सीट हुआ करते थे। लेटरल एंट्री के बारे में आप लोग तो वैसे जानते ही होंगे कि जो स्टूडेंट 12 पास कर लेता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से, तो वो पॉलिटेक्निक के डायरेक्ट द्वितीय वर्ष में प्रवेश ले लेता है। ठीक है, इसके बारे में तो आप लोग कंफर्म जानते होंगे। तो इसके लिए दोस्तों ये प्रावधान था कि यूपी के जितने सारे कॉलेज थे सब में आपके पास मात्र 5 ही सीटें हुआ करती थी, लेकिन अब दोस्तों ये भी बढ़ गई है, ये भी आपकी 10 सीट हो चुकी है। लेकिन अब ऐसा भी है कि जो आईटीआई किए हुए स्टूडेंट हैं या फिर आप लोगों के जो 10+2 किए हुए स्टूडेंट हैं उनमें से बहुत सारे लोग अब लेटरल एंट्री के फॉर्म भी भर रहे हैं। तो दोस्तों अनुमानित मैं आपको बताऊं, क्योंकि 3.5 लाख तो कब का दोस्तों आपका पार हो चुका है, तो लगभग आप लोगों का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म जो है दोस्तों आपका 4 लाख दोस्तों आपका भरा गया है। अब इस 4 लाख में भी दोस्तों आप इतना अनुमान लगा करके चलिए कि 80 से 90 हजार दोस्तों ऐसे फॉर्म हैं जो आपके आउटसाइड यूपी से आए हैं। ठीक है, जरा बातों को गौर से समझिएगा, आउटसाइड यूपी से आपके आए हैं, यानी कि यूपी के बाहर के जितने राज्य हैं, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, है ना, और इसके अलावा और ऐसे बहुत सारे राज्य हैं दोस्तों जहां के बच्चे यूपी में पॉलिटेक्निक करते हैं। रीजन क्या है? रीजन यह है भाई कि यहाँ पे सरकारी कॉलेज मिल जाता है, 149 के आसपास सरकारी कॉलेज है। लेकिन एक बात आपको यह भी सोचना चाहिए कि यूपी आप लोगों का सबसे बड़ा स्टेट भी है, तो यूपी सबसे बड़ा स्टेट होने के कारण यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट भी जाते हैं, प्लस में आपके आउटसाइड के कैंडिडेट आ जा रहे हैं, तो उनको भी तो आपको सम्मिलित करना ही पड़ेगा। वैसे आप लोग अगर आउटसाइड के हो, यानी कि ऐसे सभी स्टूडेंट जो बिहार के हैं और यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर रहे हैं, तो उनकी कोई कैटेगरी में मतलब छूट नहीं मिलती। जैसे ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप ओबीसी हैं तो आप बिहार में ओबीसी हैं तो यूपी में आकर के आप ओबीसी में ही काउंट होंगे, है ना, यूपी में सारी चीजें आपकी जनरल हो जाएंगी अगर आप स्टेट चेंज करते हो तो। लेकिन फिर भी जो पढ़ने वाले तेज बच्चे हैं, अब 80-90 हजार बिहार के बच्चे तेज बैठेंगे, तो इनमें मैं आपको बताता हूं कि 1000 ऐसे बच्चे होंगे जो कि यूपी के बच्चों को बिल्कुल टफ कंपटीशन देंगे। ऐसा कंपटीशन देंगे कि आप समझ जाइए कि यही होगा कि वो आउटसाइड से आकर के आपके टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में बैठेंगे आपके सामने, और ये हर बार होता रहा है। क्योंकि मैंने देखा है कि कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं बिहार के, भाई बहुत इंटेलिजेंट, मतलब इंटेलिजेंट इतने होते हैं कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन रखे नहीं कि वो आंसर बता देंगे, और वो 400 में से यूपी के लेवल के अनुसार आपका 300 या 300 के आसपास नंबर लेकर के चले आते हैं। वही बिहार के बच्चे अच्छे खासे रैंक पास आते हैं, भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज में तो सीटें भरनी है, और टॉप बच्चा है तो भाई जाहिर सी बात है उसका टॉप कॉलेज में एडमिशन होगा, अच्छे ब्रांचेस में एडमिशन होगा। ठीक है, तो आपको इतना कंपटीशन से, इतने दौर से होकर के आपको गुजरना है। ठीक है, अब रही बात दोस्तों आपके कट ऑफ की, इससे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं कुछ लड़कियों के बारे में। गर्ल्स पॉलिटेक्निक दोस्तों आप लोग का अलग से यूपी में आपका खुला हुआ है, बहुत सारा है गर्ल्स पॉलिटेक्निक जहां पे सिर्फ लड़कियों का एडमिशन होता है। मेन गर्ल्स पॉलिटेक्निक में आप लखनऊ वाले गर्ल्स पॉलिटेक्निक को भी ले सकते हो, जो ऐसी लड़कियां जो 250 को टारगेट कर रही है, 400 में से 250 को टारगेट कर रही है या फिर 250 के आसपास ला रही है, तो उनका एडमिशन लखनऊ के सरकारी पॉलिटेक्निक में आसानी से हो जाता है, क्योंकि वहां काउंसलिंग सिर्फ लड़कियों का होगा, सिर्फ लड़कियों लड़कियों के बीच में कंपटीशन रहेगा, 250 या 250 या 250 से ज्यादा उसके आसपास लाने वाले लड़कियों की संख्याओं में उतनी ज्यादा वृद्धि हम देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, फिर भी आप इतना अनुमान लगा करके चलिए कि अगर आपने भी यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है, यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा हुआ है, तो उसमें आपका पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि काउंसलिंग के तरीकों को समझना कि काउंसलिंग एक्चुअली में करना कैसे है ना।
तो यूपी पॉलिटेक्निक के अगर दोस्तों आप स्टूडेंट है तो अगर आप दोस्तों लाते हैं 200 के आसपास, ठीक है, या 400 में से ये बता रहा हूं, 200 के आसपास लाते हैं, मतलब एक जनरल कैटेगरी है तो 180 प्लस आप अगर लाते हैं और 180 प्लस के बाद आप कितना भी ला लीजिए आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। वहीं आप जनरल कैटेगरी के है टॉप कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं तो 240 प्लस पे आपको लड़ना पड़ेगा। 240 प्लस नहीं लाएंगे तो आपको सरकारी कॉलेज मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जनरल में कंपटीशन ज्यादा है, अदर स्टेट वाले भी आपके जनरल में कंसीडर किए जाएंगे तो उनसे भी आपको कंपटीशन करना है। फिर भी मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने तरीके से काउंसलिंग करा लिया ना, अगर आपने पांडे जी टेक्निकल से काउंसलिंग करा लिया, तरीके से काउंसलिंग करा लिया, तो मैं सियोरिटी के साथ कह रहा हूं कि 150 नंबर पे भी आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आपने कोई नॉर्मल दुकानदार से कराया तो दुकान वालों को क्या पता है भाई, वो तो सिर्फ आप ही की बात को सुनेंगे ना। दुकान वाले क्या करते हैं, नॉर्मल बोलते हैं बाबू बताइए कौन कौन सा कॉलेज भरना है, आपको कुछ जानकारी है नहीं कि भाई कौन से कॉलेज में सीटें खाली है, किस कॉलेज में सीट खाली नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने सिर्फ वही कॉलेज फिल किए हैं जहां पे आपकी उस ब्रांच में पूरी सीटें भर गई हैं और आपका नंबर है मान लीजिए 300, तो चाहे 300 नंबर हो चाहे 350 नंबर हो, वहां पे एडमिशन थोड़ी हो पाएगा आपका, कभी सीट ही नहीं है ना। देखिए ये नॉर्मल स्कूल का तो बात है नहीं, हर कॉलेज में आपका सीटें अलग अलग होती है, बिल्कुल फिक्स, ठीक है ना, सीटें बिल्कुल फिक्स होती है। तो जो आपकी जब आपकी सीटें फिक्स है तो उससे ज्यादा एक एडमिशन सिंगल नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। तो आप इतना नंबर लाइए और यूपी में सरकारी कॉलेज पाइए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आप दोस्तों रिवीजन पे फोकस करिए, ज्यादा किसी के वीडियोस देखने से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। अगर आप देख भी रहे हो तो रिकॉर्डेड देखिए, ठीक है, मैंने जो पांडे जी टेक्निकल पे पढ़ाया है उसको ज्यादा से ज्यादा आप रिकॉर्डेड देखिए, क्योंकि रिकॉर्डेड देखेंगे तो आप अपने अनुसार उसकी स्पीड को बढ़ा करके देखेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन आपके एक बार में कवर हो जाए। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा आपको मेहनत करने की दोस्तों जरूरत ही नहीं है, है ना, इससे ज्यादा आपको मेहनत करने की दोस्तों जरूरत नहीं है, ठीक है, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। बट हाँ, तरीके से काउंसलिंग कराएंगे तो मिलेगा। मैं आपके श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि मैं आपके यूट्यूब पे भी हेल्प करूंगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अब देखिए, अब हमारी टीम जो है उतनी बड़ी टीम तो है नहीं कि आपके पूरे यूपी की काउंसलिंग कर देगी, हम कुछ कुछ ही बच्चों के काउंसलिंग करेंगे, जिनमें से कम 50 बच्चों के रिक्वेस्ट मेरे पास अभी आ चुके हैं कि सर मेरी काउंसलिंग कर दीजिएगा, मेरी काउंसलिंग कर दीजिएगा, है ना। अब अगर उनकी मैं काउंसलिंग नहीं करूंगा तो फिर वो कहेंगे सर मैंने तो आपसे एक महीने पहले बोला था कि मैं आपसे काउंसलिंग कराऊंगा। तो आपकी हेल्प यूट्यूब पे भी की जा सकती है, की जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको जो छोड़ दिया जाएगा, मैं सिर्फ उन्हीं को ध्यान दूंगा जो पांडे जी टेक्निकल से काउंसलिंग कराएंगे, आपको मैं कॉलेज वगैरह की लिस्ट भी ला करके देता रहूंगा, है ना। तो आपको जो है इस तरीके से ध्यान से देखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए, अपडेटेड रहिएगा चैनल से, क्लासेस भले थोड़ा कम चलेंगे लेकिन याद रखिएगा कि आपका जो मकसद है, अब देखिए मैं 10-10 घंटे पढ़ा करके क्या करूंगा, 10-10 घंटे पढ़ा करके, 5-5 घंटे पढ़ा करके, 8-8 घंटे पढ़ा करके क्या करूंगा। आपका मकसद है सरकारी कॉलेज में जाना, मेरा मकसद है आपको सरकारी कॉलेज तक पहुंचाना, सीधी बात है। अगर आप 1 घंटे पढ़ के ही अगर आप सरकारी कॉलेज में पहुंच जाते हैं तो बस डेट्स ऑल, पढ़ाई का मतलब बस इतना ही है और वो मैं आपको करके दे दूंगा, आपका एडमिशन श्योर है कि सरकारी कॉलेज में हो ही जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करें।